आपको लगा ये सफाई का दिन है। अगर आप बाकी सब की तरह हैं, तो आप उसे अवॉइड करने के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन अगर ये बोरियत से भरे बेकार कामों को आसान तरीके से किया जाए तो क्या होगा? चलो ये करते हैं। जब सफाई की बारी आती है बस ना करें और कहें कि हो गया। वैसे अपने 3 हफ्ते की लॉन्ड्री करने के बाद तुम्हें ये मिलता है विकी। ठीक है, फोल्ड करना शुरू करते हैं। हे भगवान, वे तुम्हें एक शर्ट फोल्ड करने के लिए इतना समय लग गया? इस हिसाब से तो तुम क्रिसमस तक कपड़े फोल्ड करती रहोगी। हाँ, मेरे नए जूते आखिरकार आ गए। वो अच्छा कैच था। हे, एक मिनट रुको। कभी एक बॉक्स की मदद से कपड़े फोल्ड किए हैं एक फ्लैट बॉक्स के ऊपर। इस तरह से टी शर्ट को रखें, साइड्स को अंदर की तरफ फोल्ड करें, अब बॉटम को फ्लिप करें और ऊपर के हिस्से को भी। और ये आसान था, है ना? और इस तरह से आप आधे समय में फोल्ड कर सकते हैं। देखो ये कैसे होता है। और हो गया। और हाँ, मैं सेकेंड लोड तो भूल ही गयी। ऐसा लग रहा है कि सोफिया भी आज लॉन्ड्री कर रही है। हे, मैं देख नहीं पा रही, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ओह नहीं, साबुन। तुम ये कैसे साफ करने वाली हो? ये पेपर टॉवल्स करेंगे। क्या ये फ्लश हो जाएंगे सोफिया? ये उड़ने के लिए तैयार है। नहीं नहीं नहीं, जल्दी सोचो मैं इसे कैसे साफ करूं? जब आपका टॉयलेट ये कर रहा हो, इसे किसी प्लास्टिक रैप से कवर करने की कोशिश करें। इसके ऊपर पूरी लेयर लगा दें। जब आप टॉयलेट को फ्लश करेंगे तो प्लास्टिक रैप को नीचे की तरफ करें, एक सक्शन इफेक्ट बनाते हुए। बस 1 मिनट के बाद इसे हटा ले। हाँ, ये काम किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपने चेहरे पर ये बिल्कुल ना लगाती। अम्मी, तुमने इसे आखिरी बार साफ कब किया था? अच्छा, सोफिया देखो। एमी, ये क्या है? हाँ, ओ मेरी गलती है। हे, इससे मुझे एक आइडिया आया। अपने मेकअप स्पॉन्ज को थोड़े से साबुन के साथ पानी में डालें, जैसे एमी यहाँ कर रही है। अब इसे माइक्रोवेव में रख दें और 1 मिनट का टाइमर लगा दें। जब ये हो जाए तो इसे बाहर निकाल लें। जब ये ठंडा हो जाए तो स्पॉन्ज को बाहर निकाल लें और इसमें जो फालतू पानी है उसे निकाल लें। ये स्पॉन्ज ही तो है। साफ मेकअप स्पॉन्ज का इस्तेमाल करना आपकी त्वचा के लिए अच्छा होता है और ब्रेकआउट नहीं होंगे। बहुत सारी लॉन्ड्री को स्क्वीज कर रही हूँ बाहर जाने से पहले। ओहो, मैं अपनी चादर यहाँ डालना भूल गई। ये बास्केट में फिट नहीं होंगी, मुझे इसे फोल्ड करना होगा। अगर आपने खुद कभी चादर को तय किया है तो आपको पता है ये आसान नहीं होता। ये कर क्या रही है? इसके कोने ढूंढना तो इसमें ही एक जॉब है। ठीक है, मैं तुम्हें फोल्ड करूंगी, चाहे आप ही चीज हो जो मैं करूँ। क्या ये बस मैं हूँ या फिर ये सच में एक परफॉर्मेंस आर्ट लग रहा है? एम, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? चीजें बस 1 मिनट के लिए हाथ से चली गई। अगली बार इसे ट्राई करना। थोड़ी जगह देना प्लीज। अपने हाथों को सीधा करके इसके ऊपर ये चादर रखें। हाथों को साथ में लेकर आए और इसे एक हाथ में रैप कर लें। इस तरह से बाकी की चादर को सीधा कर लें। देखा, आपने एक बढ़िया स्क्वायर बना लिया। अपने हाथों को दोबारा साथ लाएं और वही करें, क्योंकि आपने इसके असली कोने ढूंढ लिए हैं। इसे सीधा लेटाएं और इसे फोल्ड कर लें। इसे स्मूथ करना ना भूलें ताकि ज्यादा बल्क ना हो। जब आप इस स्टेज पर आ जाएं, तो साइड को फोल्ड करें एक रेक्टेंगल बनाते हुए और ये आपको मिल गया, एक बढ़िया चादर तय की हुई। हे एमिली, मेरे पास तुम्हारे लिए तोहफा है। क्या ये स्मूथ फोल्ड नहीं है या क्या? अच्छा काम किया ओलिविया। अब मुझे बाकी की फोल्ड करने में मदद करो। क्या गलती से कभी सॉक्स घूम गई है? ये यही कहीं होनी चाहिए। हाँ,
ऐसा लगता है ये कंबल में फंस गई। हाँ सही मैच है। गो। ओ ओ, मेरे ऊपर आने वाला है। हे, क्या ये कपड़ों का भंडार हिला? ओ नहीं, क्या मेरी बिल्ली यहाँ अंदर है? क्या बिल्ली नहीं, बस सोफिया। याइक्स, वैक्यूम प्लास्टिक बैग ले रहा है। तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ। आप अपने कपड़ों को और कॉम्पैक्ट बनाना चाहते हैं, तो उनके अंदर की हवा को वैक्यूम कर ले। हाँ ये काम कर रही है। और जब ये हो जाए तो आपके पास एक सुखड़ा हुआ बैग है। छोटी चीजें इसमें रखने के लिए बढ़िया है। तो चलो अब आप डबल कपड़े आधी जगह पर रख सकते हैं। अच्छा काम किया सोफिया। हर लड़की को पता है हमेशा नहाने के वक्त क्या होता है। नहीं ये कोई छोटा जानवर नहीं, ये झड़े हुए बाल हैं। गंदा है। एक प्लंगर? क्या ये सच में एक अच्छा आइडिया है लाना? चलो भी। वो नहीं, ये तो तय है कि लाना ये बिल्कुल नहीं करने वाली थी। ये चीज यहाँ कैसे आई? तुम इसे ढूंढ रही हो? उप्स, वो एक एक्सीडेंट था। रुको, मैंने बस कुछ सोचा। इस हैक के लिए आपको चाहिए एक स्ट्रॉ और कैंची। स्ट्रॉ को सीधा कर लें। अब इसे नीचे की तरफ काटना शुरू करें और नीचे तक काटते रहें। ध्यान रहे इसमें एक मिनट लगेगा। देखा, ये अब ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसे ड्रेन में लगाएं और बाल वगैरह खींचें। वो किसी को हेयर पीस चाहिए? हाँ, और साफ सुथरा ड्रेन अच्छा ड्रेन होता है। क्या इस पीनट बटर रिमोट के साथ कुछ जेली भी मिली? ओह नहीं, ये अच्छा नहीं है। मैं सोच रही हूँ यहाँ पर वेट वाइप्स होती तो। वैसे ये काम नहीं आएगा। मैंने इसे यहाँ कब छोड़ा? वैसे मैंने अच्छा किया, शायद ये मेरी दिक्कत को सुलझा दे। अपने रिमोट को पीनट बटर फ्री रखने के लिए कुछ प्लास्टिक रैप लें और इसे रेक्टेंगल में काट लें। अब इसे रैप कर लें। अब इसके ऊपर थोड़ा ब्लू ड्राई मारें ताकि ये प्लास्टिक बटन के बीच में बैठ जाए। तो अगली बार जब आपके हाथ पिज्जा से भरे होंगे तो आपको अपना रिमोट मैरिनारा सॉस से खराब करने की जरूरत नहीं है। हे, घबराओ मत इसके बारे में। देखो एक बार में साफ हो गया। बस आराम से बैठकर नेटफ्लिक्स देखने से अच्छा और कुछ भी नहीं। ओहो, मैं देख नहीं पा रही। ऐसा लगता है कि वो आइस स्केटिंग कर रही है। मदद की जरूरत होगी ओलिविया। ये क्या गंध है? और वो? मुझे ऐसा लग रहा है मैं पिक पेन में रह रही हूँ ओलिविया। क्या तुम मुझे सुन भी रही हो? जो भी है तुम मेरी माँ नहीं हो। नहीं मैं साफ नहीं कर रही, मैं बहुत थकी हुई हूँ। मैं भी नहीं करना चाहती। वैसे तुम इसके साथ क्या करोगी एम? इस तरह का एक बाथरूम रग ले लें और इसे उल्टा करें। एक हाउस स्लीपर लें और इसके आसपास काट लें। अब इसके ऊपर कुछ डबल साइडेड टेप लगाएं। उस स्नेपर को टेप से लगाएं। तो अब हम इसे कहते हैं स्वीपर स्लिपर्स। चलो सफाई करते हैं। करते हैं? मैं साफ करने के लिए तैयार हूँ बेबी। और मैंने तुम्हारे लिए भी एक जोड़ा बनाया है। सफाई करना इतना बुरा भी नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे ये सफाई और वर्कआउट सेशन दोनों है। अपने दिल से नाचो लड़कियों। ठीक है, अब हम सच में ये कर रहे हैं। अब ये जगह एकदम स्पिक और स्पैन हो जाएगी।
ठीक है, आज के लिए इतनी सफाई करना बहुत है और वक्त है कुछ ब्लूपर्स के साथ मजे करने का। अगर आपको ये लेजी क्लीनिंग हैक्स पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और उन्हें भी मजे कराएं और हमारे चैनल 123 गो को सब्सक्राइब करें। चलो अगली बार मिलते हैं।